हाँ, आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। पर मैं कुछ क्षणों के लिए यहाँ पे कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि आप जानते ही होंगे कि एक शून्य और एक एक की का जो फासला है वो एक जरिया है। कभी हम शून्य में होते हैं, कभी हम एक में जाते हैं, और शून्य से एक में जाने के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, तो मैं उसी कड़ी में उसी दायरे को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जब भी मैंने कुछ स्टार्ट किया है और कभी शुरू किया है कुछ कुछ चीज़ों को, तो शून्य से ही किया है। और मेरी पिछली जितनी मैंने जितने कंपनी में काम किया है, जितना मुझे वहाँ से सीखने को मिला है, मैंने गलतियाँ भी की हैं ये मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जहन में हैं जो आज मुझे बोल देना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे शून्य में भी लेके चले जाए कभी भी, तो मैं शून्य से फिर से उसी तरीके से खड़ा हो के लिए कोशिश करूँगा। ये नहीं बोल सकता मैं एक में पहुँचूँगा कि नहीं, पर फिर भी कोशिश करूँगा। और ये 2011 या 12 से ये कहानी चल रही है कि जब मैं कुछ कुछ चीज़ों में अपनी सक्षमता के अनुसार अपनी अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा था, सीखने की कोशिश कर रहा था, बहुत अटकलें आई, मगर कोशिश के ज़रिए ही मैं आगे बढ़ा। हाँ, मैं कुछ लोगों को खोया, जिसमें सबसे मुझे तहे दिल से मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने दोनों दोस्त को, दो अच्छे मित्र हैं जो मेरे ज़िंदगी में नहीं है, जो मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों में उन्होंने एक पायदान में मेरा साथ निभाया है। हाँ, और इस 43 साल की जन्म लिए हुए मेरे ज़िंदगी में मैंने अपने पापा को भी खोया है। ठीक है, तो जब मैंने सोचा था कि 2012 में कुछ करूँगा, तब तो मैं वो सब बोलते हैं ना कि हम लोग कुछ सीखने का, प्रोग्रामिंग का नया चीज़ सीखते हैं, तो वो मुझ में नहीं था, मैं सीखा मैंने। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ उसमें, मैं कोशिश करता हूँ, मैं ज़रिया खोजता हूँ कि सीखूँ चीज़ों को। तो उसी तरीके से मैंने पहला अपना, जो बोलते हैं हमारे शब्दों में, कि एक स्टार्टअप किया था जिसका नाम था गीक मंकी स्टूडियोज़। तो उसमें भी मैंने वही कोशिश किया था कि मैं कुछ करूँगा, मगर मैंने कभी भी किसी को किसी किसी से कुछ चीज़ लिया नहीं, अपने कोशिशों से आगे बढ़ा। और लोगों को जो मेरे साथ आए उनको भी कोशिश किया कि आगे लेके जाऊंगा, और ये पायदान बढ़ता गया। मैं 2017 में एक स्टार्टअप में फिर से मैंने ज्वाइन किया, वहाँ भी मैंने शून्य से ही स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि एक क्षमता थी वो 15 लोगों की थी, तो 15 से मैंने दो टीम बनाई, वो है एक AI का एक IoT का, जो एक समय तक बहुत अच्छा चला मेरे लिए। हो सकता है मैंने कुछ अपने तरफ से मैंने गलतियाँ की होंगी, तो मुझे जब लगा कि मैं उस चीज़ में खड़ा नहीं उतर रहा हूँ, तो मैंने वो छोड़ दिया। वो छोड़ने के बाद हमने एक ऐसा कुछ काम किया जिसको हम लोग अपने प्रतिक्रिया से बोल सकते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में हम लोगों ने एक 10 या 11 महीने का एक अवसर था जो हम लोगों ने किया, कुछ नए लोगों को लाया, कुछ नए लोगों को बहुत अच्छा अच्छा मौका भी दिया कि वो आगे बढ़े, वो आगे अच्छा भी कर रहे हैं और अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट भी हमारा बहुत हम बोलते हैं कि एक अच्छा पायदान में पहुंचा। 11 महीने में हम लोग ने बहुत अच्छा किया। तो उसके बाद हम लोग ने एक आइडिया किया स्टार्टअप का, वो भी अभी मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, मगर जो लोग हैं वो अच्छा कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वो और भी अच्छा, मेरी तो वही है कि दुआ है कि वो लोग अच्छा करें, अच्छे से सब चीज़ों को करें। मगर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि
मुझे अगर शून्य में पहुंचा दिया जाता है तो मैं फिर से शून्य से एक की कड़ी को पहुंचने के लिए कोशिश करता हूं। मुझे वो डर नहीं है कि यार कल मैं शून्य में आऊंगा और कोई मुझे आके भी बोले कि यार तू तो फिर वही ज़ीरो में आ गया है। और किसी से भी मैं सुनता हूँ कि यहाँ ज़ीरो में आया, ऐसा आपको बोला गया है कि आप ज़ीरो हैं। मैं बोला अच्छा ही है, ज़ीरो का तो वैल्यू नहीं है, कल फिर से उठेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर नया कुछ करेंगे। तो इन्हीं सब अवसरों के लिए आदमी जीता है और मैं अपने इस जीवन काल में वही किया हूँ, लोगों को लेके बढ़ा हूँ। ठीक है, मौका भी दिया, मुझे भी मौका मिला। जब मुझे ऐसा लगा था कि 10-11 साल के जो करियर में, जो स्टार्टिंग में हमने किया था, जो मुझे सॉफ्टवेयर में चांसेस नहीं मिल रहे थे, तो मैंने बहुत लोगों को मौका दिया। तो कुछ कुछ लोग बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छे पायदान पे हैं और वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कोशिश करता है कि अभिषेक को ज़ीरो पे लेके आया जाए, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि मैं ज़ीरो से फिर स्टार्ट करूँगा, फिर वन के लिए कोशिश करूँगा। तो इस तरह की भावनाएं रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। सब कोई ज़ीरो पे आता है, सब ज़ीरो से स्टार्ट करता है। तो ज़ीरो से एक का जो एक हमारा जो एक समीकरण होता है ना, जिससे हम गुजरते हैं अपने शब्दों में बयां करके और सीख के, उसमें आदमी कुछ कर जाता है तो अच्छा ही है, फिर मौका मिलेगा। इसी तरीके से मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ मुझे नए नए मौके मिल रहे हैं, मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा की करूँ। तो इसी कारणवश भी आगे वाला जो मेरा स्टार्टअप था, मैंने वहाँ से निकल के यहाँ पे मुझे लगा कि इस जो ये जो मेरे पास एक अवसर मिला है जिसको मैं ज़ीरो से बना सकूँ या शून्य से स्टार्ट कर सकूँ, एक अच्छे दिशा में लेके जा सकूँ, तो मुझे लगा कि ये एक अवसर है कुछ नया करने का। और मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि लोगों ने मेरे साथ और हमारे टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और उसके ज़रिए हमें नए नए प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, हम लोग कर भी रहे हैं। तो यही ज़रिया हमारा चलता रहेगा। शून्य और एक तो वही है, आप जानते हैं, कल आप एक में होंगे, आज मैं शून्य में हूँ, तो ये ज़रिया घूमता रहेगा। तो यही है कि मनुष्य को सीखने का अवसर सबके पास आएगा और कोई भी सीखने का जो अवसर है कोई किसी से छीन नहीं सकता, वो आप जितना कोशिश करें। धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि ये जो मेरी एक छोटी सी कहानी है जिसमें मैंने अपने एक क्या बोलते हैं कि एक नाव में सवार होने की एक कहानी, एक ज़रिया जो मैंने एक दरिया पार किया है, कुछ लोगों को बता सका हूँ और अच्छा भी लगा। धन्यवाद।